मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम। ओके, ऑल आर फाइन। वेरी गुड, कीप इट अप। सो स्टूडेंट्स, आज ईवीएस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपके पास क्या क्या चीजें हैं? अभी बताओ जरा मैम। पेन, पेंसिल, ओके, फैन, ओके, बुक्स, ओके। और अभी क्लास में कौन कौन है, कौन कौन स्टूडेंट है या मैम है, बताओ जरा। मैम। यस। स्टूडेंट्स। ओके, अब आप बताओ मुझे कि इनमें से कौन कौन खाना खाता है, पेन खाना खाता है या मैम खाना खाते हैं? मैम। मैम खाना खाते हैं, पेन खाना नहीं खाता। तो हमारी दुनिया में और हमारे आसपास बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सबको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। आपको पता है इनको क्या कहते हैं? नहीं मैम, हमें नहीं पता इनको क्या कहते हैं, आप एक बार बताइएगा। आपको नहीं पता? चलो आज मैं आप सबको इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगी कि जो खाना खाते हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं और जो खाना नहीं खाते उनको किस कैटेगरी में रखते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ईवीएस का, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मेरे साथ बोलेंगे सारे, बोलो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग को बोलते हैं सजीव, लिविंग को बोलते हैं हिंदी में सजीव, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, और नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव। जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, सजीव यानी कि जिन चीजों में, जिन वस्तुओं में जान है उन्हें हम बोलेंगे सजीव वस्तुएं, इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुएं, जिन वस्तुओं में, जिन चीजों में जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उनको बोलेंगे निर्जीव वस्तुएं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग कौन कौन सी है, या हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज, कौन सी वस्तु लिविंग थिंग है या नहीं है? सबसे पहले हम लिविंग थिंग की विशेषताएं करेंगे। फर्स्ट लेते हैं ब्रीद। ब्रीद यानी कि सांस लेना, ब्रीद यानी कि सांस लेना। मैं सांस लेती हूं, आप लोग सांस लेते हो, तो ये लिविंग थिंग्स हो जाएंगी। जो भी सांस लेती हैं वही हैं लिविंग थिंग्स। बर्ड्स भी सांस लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी सांस लेते हैं। तो इसलिए पहली विशेषता हो गई है कि जो भी वस्तुएं सांस लेती हैं उन्हें हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं। सेकंड लेते हैं ग्रो। ग्रो मींस बढ़ना, ग्रो मींस बढ़ना या वृद्धि होना। जैसे ना बचपन में मैं जब छोटी थी बिल्कुल आप जैसी ही थी, ऐसे छोटी, धीरे धीरे मैं ग्रो करके यहां तक हो गई हूँ, आगे और ग्रो करके मैं ऐसे बूढ़ी हो जाऊंगी। तो इस तरह से हम लोग ग्रो करते हैं, आकार बढ़ता है हमारा, एज के अकॉर्डिंग रंग रूप बदलता जाता है। तो हम लोग हैं लिविंग थिंग्स। आप भी अभी बच्चे हो लेकिन जब बड़े हो जाओगे मेरी तरह तो फिर अलग दिखोगे। तो आप लोगों ने भी चेंज किया ना अपना साइज, आकार बढ़ा आप लोगों का। तो लिविंग थिंग्स वही हैं जो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे छोटा सा पहले सीड बोया हमने, उसमें से प्लांट निकलता है, वो धीरे 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 ग्रो करके बड़ा हो जाता है और उसमें से फिर एक निकलता है फ्लावर। तो आप बोलो लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं यानी कि बढ़ती हैं, वृद्धि करती हैं। थर्ड लेंगे हम लोग मूव। मूव मींस गति करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मूव मींस गति करना। अब हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मैं लिविंग थिंग हूं, मैं यहां से और यहां अपने आप चली गई, यहां से यहां आ गई। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, सृष्टि यू कम हेयर। अब सृष्टि अपने आप यहां पर आई है और अब चली जाएगी, टेक योर सीट, अपने आप ही अपनी जगह पर चली गई है। वे वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह पर
अपने आप चली जाती हैं उनको हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं। तो ये हो गया है गति करना। इसको मैं आपको एक TLM से भी दिखाऊंगी कि मूव कैसे करते हैं। ये देखो आप जरा, एक फिश है तो फिश भी यहां से चलेगी ऐसे और मूव करेगी। ये गई फिश, ऐसे पानी में तैरती है ना मछली, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो फिश भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो ये हो गया है फिर गति करना। मैम। यस बेटा। मैम आपने कहा था कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पर हमें नहीं पता वो कैसे मूव करते हैं। नहीं बेटा, थोड़ा सा आपने रोंग किया। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जगह नहीं बदलते हैं, ऐसे मूव नहीं करते हैं हम लोगों की तरह। लेकिन आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर सृष्टिज क्वेश्चन। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स भी हमारी तरह ही लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो यहाँ से और यहाँ नहीं जा सकते हैं। मान लो कि एक पीपल का पेड़ है, अगर वो यहाँ खड़ा है तो वो सालों साल यहीं खड़ा रहेगा। ये नहीं है कि आज यहाँ डोगी आ गया है तो भाग के इधर हो जाऊं या इधर हो जाऊं, ऐसे मूवमेंट उनमें नहीं होता है। प्लांट्स ऐसे गति नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी उनके स्टाइल की गति होती है, मूवमेंट होता है। उनके पत्ते हिलते हुए देखे आप लोगों ने? बोलो जरा, देखे हैं पत्ते हिलते हुए? देखे हैं, बिल्कुल सही। तो उनके पत्ते हिलते हैं, वो उनमें मूवमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। एक प्लांट होता है मिमोसा, ऐसा दिखता है उसका कुछ, मिमोसा का जो लीव्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, और जैसे ही हम उनको छुएंगे, ऐसे टच करते हैं ना, वो ऐसे श्रिंक कर लेते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही हम मिमोसा के प्लांट को टच करते हैं, वो ऐसे श्रिंक करके और बंद हो जाते हैं। तो ये भी है उनका मूवमेंट है, ये भी वो गति कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, छुई मुई का पौधा है ये। तो ये भी एक उनकी मूवमेंट हो गई है। सेम आपने ही एक ऐसा देखा होगा फ्लावर, जैसे ही सूरज निकलता है तो एकदम से खिल जाता है, और जहाँ जहाँ सूरज जाता है उसका मुंह उसी तरफ जाता है, और जैसे ही शाम को सूरज छिपता है वो भी अपना मुंह बंद कर लेता है। कौन सा प्लांट है ऐसा? देखा है कोई फ्लावर? नहीं देखा, मैं दिखाती हूँ। ऐसा एक है सनफ्लावर, सूरजमुखी, इसीलिए इसका नाम है सूरजमुखी सनफ्लावर, यानी कि इसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है। जैसे जैसे सूरज जहां जहां जाएगा इसमें ऐसे मूवमेंट होता जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये सनफ्लावर, ये है पौधों की मूवमेंट। तो इससे आपको पता चला कि पौधे भी मूव करते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं, थोड़ा अलग से। मिमोसा का एग्जाम्पल दिया, सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया, इनकी मूवमेंट दिखाई ना मैंने। वैसे भी बहुत सारे लीव्स हिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से उनमें मूवमेंट होता है, वो गति करते हैं, इसलिए प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। नेक्स्ट हम लेते हैं ईट, ईट यानी कि भोजन करना, खाना खाना। इसको खाना खाना भी लिख सकते हैं और खाना खाना भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईट। अब जैसे हम लोग हैं, मैं हूं, मुझे भी भूख लगती है, मैं भी खाना खाती हूँ, आप लोग भी खाते हो, है ना। ऐसे देखो जैम सॉस कितने अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स खाना खाती हैं। इसके बाद है फील, लिविंग थिंग्स फील करती है, उनको महसूस होता है, नॉन लिविंग को नहीं होता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स का। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, सृष्टि यू जस्ट कम हेयर, अभी मैं इसको कुछ करूंगी और इसकी देखना इसको फील होगा। ये देखो हुआ फील? यस मैम। हाँ तो मुंह से आवाज निकालना जैसा फील हो जब। कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है? यस मैम। कहाँ टच करा? यहाँ पे। कहाँ टच करा? यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, नाम बोलो, कहाँ टच करा? फोरहेड पे। फोरहेड है, दिस इज फोरहेड। कहाँ टच करा? हेयर्स पे। अब कहाँ टच करा? नोज पे।
कहाँ टच करा? माउथ पे। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स फील करती हैं। अब जैसे मैं हम ये एक ले लें, मैं एक डोल लेके आई हूँ मेरी बेटी की, ये देखो डोल। अब जो मैंने सृष्टि के साथ किया था सेम मैं इसके साथ करती हूँ। कुछ हुआ इसको? नहीं कुछ हुआ। चंपी करते हैं, चंपी 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 चंपी, कुछ हुआ इसको? नहीं हुआ ना। कुछ हुआ डोल? कुछ हुआ? नो रेस्पॉन्स। तो लिविंग थिंग्स फील करती हैं, महसूस करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं करती हैं। फील मींस महसूस। सिक्स्थ है रिप्रोड्यूस। सिक्स्थ नंबर है रिप्रोड्यूस, यानी कि अपने बच्चे पैदा करना, अपने संतान पैदा करना। अब जैसे मेरी मदर थी, मेरी मदर से मैं आई और मेरे से मेरे बच्चे आए, ऐसे ही आपके दादाजी थे, दादी जी, दादाजी दादी जी से आए पापा जी, पापा जी मम्मी के बाद आए आप लोग, ऐसे ही आप लोगों से भी धीरे धीरे संतान आगे बढ़ती रहेंगी। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो संतान पैदा करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। तो आज हमने सीखा है ये लिविंग थिंग्स, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नॉन लिविंग थिंग्स। एक बार रिपीट कर ली इनको। लिविंग थिंग्स वो थिंग्स हैं जिन जो सांस लेती हैं, ब्रीद करती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो जो बढ़ती हैं, मूव गति करना एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं, ईट जो खाना खाती हैं, फील जो महसूस करती हैं, और रिप्रोड्यूस जो अपने बच्चे पैदा करती हैं, जो संतान को आगे बढ़ाती हैं। ये सारी विशेषताएं जिसमें भी हैं वो सब हैं लिविंग थिंग्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे हम लोग, यानी कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग सब लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ऑल आर लिविंग थिंग्स। अब हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट, नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमने लिविंग थिंग्स में सीखा है उससे बिल्कुल अपोजिट है, उससे ये उल्टा है। नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स सजीव, यानी कि जिनमें जान थी, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है। तो इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा नॉट ब्रीद। पहला आ जाएगा नॉट ब्रीद, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं लेती हैं। सांस, सब बच्चे बोलो मेरे साथ, सांस नहीं लेती हैं। वेरी गुड, सांस नहीं लेना। तो ये सांस नहीं लेती है, जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था ये एक डोल है, ये डोल सांस नहीं लेती है। कुछ भी देख लो आप, ये पेन सांस लेता है? बताओ जरा, नहीं लेता। वेरी गुड, ये भी सांस नहीं लेता। ये एक ट्रैक्टर है, ये भी सांस नहीं लेता। दिस इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। सेकेंड लेंगे हम नॉट ग्रो, ये बढ़ती नहीं है, नहीं बढ़ती, वृद्धि नहीं करती है। जैसे मैंने एक ये बनाया हुआ है, आप इसमें देखो एक पेंसिल, आपके पास एक पेंसिल है, अगर वो यूज करके हाफ हो गई है तो क्या वो फुल हो जाएगी? बताओ जरा मुझे, नहीं होगी। हाँ, तो ये ग्रो नहीं करती हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ग्रो, बढ़ती नहीं है, ये जितनी है उतनी ही रहेगी और खत्म होती जाएगी, जितना हम यूज करेंगे फिनिश हो जाएगी, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, ग्रो नहीं करेगी। थर्ड लेंगे हम नॉट मूव, कोई भी नॉन लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती है। जैसे ये देखो आप एक फुटबॉल, आप बोलोगे मैडम ये तो जाती है यहाँ से ग्राउंड में चली जाती है, ग्राउंड से दूसरे के घर में चली जाती है। नहीं, जाती तो है, लेकिन उसको कौन पुश करता है? हम लोग। जब तक हम इसको हाथ या पैर से नहीं हिलाएंगे ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो इसलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विशेषता हो गई है, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट मूव, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जाती हैं, कोई ना कोई इनको भेजेगा तभी जाएंगे। जैसे ये एक मैं लाई हूँ, एक जैसे देखो ट्रैक्टर,
अब आप बोलोगे मैडम ये भी चलता है, पर ये कैसे चलता है? जब इसको हम चलाएंगे ऐसे ही अपने आप ही नहीं चलेगा। देखो मैंने ऐसे रख दिया, अभी ऐसे ही रखा रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ये नहीं जा रहा है। तो ये हो गए हैं नोट मूव, यानी कि गति नहीं करते हैं, इनमें गति नहीं होती है। फोर्थ हो जाएगा नोट ईट, ये कोई भी जो मैंने आपको दिखाई है ये कोई भी खाना नहीं खाती है। क्या डोल, ट्रैक्टर, पेंसिल, पेन खाना खाते हुए देखा है किसी ने? नहीं, ये खाना नहीं खाते हैं। यहाँ देखो मैंने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है, तो अम्ब्रेला खाना खाता है? नहीं खाता है। यस, दिस इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। तो ये भोजन यानी कि खाना नहीं खाती हैं। नॉट फील, ये मैंने आपको लिविंग थिंग्स में भी करके दिखाया था, फिर से करके दिखा देती हूँ। क्या ट्रैक्टर को हम एक जोर से पुश लगाएंगे या पीटी लगाएंगे बैट से, इसको कुछ हो रहा है? इसको कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें कोई फीलिंग नहीं है। तो ये हमारी एक और बन गई है कि नॉट फील, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी महसूस नहीं करती हैं, इनको महसूस नहीं होता है, कुछ भी महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स अपनी संतान, अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं। जैसे ये डोल है, क्या इससे कोई छोटी डोल बन सकती है? नहीं, ये डोल है तो यही रहेगी, इससे कोई भी नई डोल नहीं बन सकती। या मैं आपको बोलूं कि बेटा एक बार ना इस पेन को ना एक डब्बे में डाल के रख दो 15 दिन के लिए, 2 पेन बन जाएंगे, बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। दिस इज ऑल्सो ए नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं, उनसे अगली संतान नहीं आती है। क्या हम एक पेंसिल ले आते हैं तो उससे बन जाती है 25 पेंसिल? नहीं बनती, ये है नॉन लिविंग थिंग, तो ये इनकी संतान नहीं होती है, अपनी संतति पैदा नहीं करती है। एक बार फिर से इनको मैं रिपीट कर देती हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं, वे वस्तुएं हैं जो सांस नहीं लेती हैं, नॉट ब्रीद, जो बढ़ती नहीं है, नॉट ग्रो, गति नहीं करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, अपने आप नहीं जाती है, दैट मीन्स नॉट मूव, भोजन नहीं खाती हैं, खाना नहीं खाती हैं, दैट मीन्स नॉट ईट। और उसके बाद उनको कोई भी कुछ टच करे या जोर से हिट करे, उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है, दैट मीन्स नॉट फील। एंड सिक्स्थ इज नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि उनसे उनके अगले बच्चे यंग वंस नहीं बनते हैं। तो दीज आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, आज हमने किया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी मैं एक छोटा सा रिकैप लेती हूँ और दोनों में डिफरेंस इसका आपको समझाती हूँ, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स ब्रीद, यानी कि लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ब्रीद, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। सेकंड, लिविंग थिंग्स ग्रो, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स जैसी हैं वैसी रहती हैं, बढ़ती नहीं हैं, नॉट ग्रो। थर्ड वन इज लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप जाती हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स नॉट मूव, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप नहीं जाती हैं। फोर्थ ईट, लिविंग थिंग्स ईट एंड नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ईट। फिफ्थ इज लिविंग थिंग्स फील, अगर आप कहीं भी उनको टच करोगे, पिंच करोगे, हिट करोगे तो लिविंग थिंग्स फील करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स नॉट फील, उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है, कुछ भी फील नहीं होता है। एंड सिक्स इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स अपनी संतान पैदा करती हैं, उनसे उनके यंग वंस, उनके बच्चे आते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नॉट रिप्रोड्यूस, उनसे उनके कोई बच्चे नहीं आते हैं, वो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। अगर उनको
कुछ को हम यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, तो वो घटती जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। जैसे टेबल जिस साइज की है उसी साइज की रहेगी, अगर चेयर की बात करें जिस साइज की है उसी साइज की रहेगी, फैन की बात करें जिस साइज का है उसी साइज का रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो बच्चों आज हमने सीखा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको पता चल गया है ना कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे, तो जब पूछा जाएगा कि विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉट लिविंग थिंग, तो आपको लिविंग के लिए एल लिखना है और नॉन लिविंग के लिए एन लिखना है। अब मैं आपसे चार पांच क्वेश्चंस कर लूं, बताओ जरा ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग थिंग्स। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर सृष्टि। ओके, दिस इज अ मार्कर, दैट मींस अ पेन, लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। वेरी गुड गरिमा। ओके नेक्स्ट वन, दिस इज अ ट्रैक्टर, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। यस वेरी गुड। और डॉगी है जो हमारा डॉग, उसका एक प्यारा सा पप्पी, लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग। वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस, सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब इस डिफरेंस को आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे, इसको सब बच्चे लर्न करेंगे और लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।